गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60। सब्जेक्ट है आपका साइंस और वर्कशीट नंबर है 7। डेट है आज 16 अक्टूबर, क्लास है 8। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं, बहुत सारे डिजीज़ भी फैलाते हैं, लेकिन इनसे कई और भी सारी चीज़ें जो होती हैं प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। जैसे कि जो पिंकी है, ठीक है, वो पार्टी में जाती है अपने भाई के साथ, तो वो लोग खाते हैं पेस्ट्री, नूडल, पिज्ज़ा, बर्गर, केक, जो कि आप सभी के फेवरेट फूड है, सभी बच्चों के आजकल के। उसके भाई को घर आने के बाद बहुत तेज़ स्टमक पेन होता है, वोमिटिंग होती है और लूज़ मोशन यानी कि दस्त लग जाते हैं। अब उसके फादर उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि भाई इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, यानी कि जो फूड है वो जहरीला हो गया है और इस वजह से क्या है, ये पेट में दर्द कर रहा है। तो बच्चा, अब पिंकी कहती है कि भोजन से तो हमें एनर्जी मिलती है, अब ये जहरीला कैसे हो गया? तो क्या होता है, जब हम जो स्टाल फूड खाते हैं, जो बाहर लगा होता है, अनकवर्ड होता है, तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जो भोजन को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, इसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। समटाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं एंड ये इससे ही इट कैन लीड टू अ सीरियस इलनेस, ठीक है, इट कैन लीड टू अ सीरियस इलनेस, और इससे एक बहुत ही जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। तो बच्चों, ई कोलाई और साल्मोनेला, ठीक है, ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई और साल्मोनेला, ठीक है, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग को, फूड पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है। जो पर्सन फूड पॉइजनिंग जिसको हो रखी होती है, उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, वोमिटिंग आती है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन होते हैं, भूख नहीं लगती और बहुत तेज़ फीवर भी हो जाता है कई बार बार। वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, आपको जो भोजन है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, बार बार हाथों को धोना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल को बार बार यूज़ करने से पहले धोना चाहिए, जो कच्ची वेजिटेबल्स हैं, मीट है, उनको प्रॉपरली कुक करना चाहिए, ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड और बेवरेजेस, यानी कि जो आपका भोजन है जो खराब हो चुका है, कंटेमिनेटेड मतलब खराब भोजन, ठीक है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया। तो यहाँ पे हम करेंगे, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टाल फूड, अनकवर्ड फूड विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब कर दिया जाता है। समटाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं फूड में और टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उनको प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो सीरियस बीमारी है वो पैदा हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड पॉइजनिंग, ई कोलाई और साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट फोर हैबिट्स दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग। वी शुड ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज, यानी कि हमें बिल्कुल साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए और सब्जियों वेजिटेबल्स को धोना चाहिए, और हमें अपने जो हैंड है उनको बार बार क्या करना चाहिए, या तो पहले भी खाने के पहले और खाने के बाद दोनों बार टाइम पे हमें धो लेना चाहिए। राइट फोर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में क्या क्या होता है, वोमिटिंग आती है, स्टमक पेन होता है, लूज मोशन होते हैं, भूख नहीं लगती है, हाई फीवर हो जाता है, दीज आर द सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब कर देते हैं टारगेट सेट हम। तो अब की बार के लाइफ जो हमारा लाइक है उनका टारगेट कर देते हैं, 500 लाइक्स तक आप इस वीडियो को पहुंचाओगे, एंड बड़ा टारगेट, आप सबको पता है कि हमें 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प करेंगे, वीडियोस को शेयर करके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।